Hello students, welcome to the chemistry class. Today I am going to start the first chapter, that is matter and its composition. Before defining matter, first of all we should learn about the materials. So students, look around yourself. You will find there are various objects around you like pen, pencil, eraser, geometry box, bed, chair, table, etc. Do these objects having same shape, size or color? No, because different objects having different shape, different size and different color. Like geometry box, it is rectangular in shape. The next question arises in our mind is, are these objects are made up of same kind of material? The answer is again no, because different objects are made up of different kind of materials. Like pen is made up of a plastic, pencil is made up of wood. Now come to the definition of the material. The definition of material is a substance from which an object is made is called a material. कि वो कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनती है उसको हम मटेरियल बोलते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ द मटेरियल आर प्लास्टिक, वुड, मेटल, लेदर, फाइबर एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया इज नोन एज क्लासिफिकेशन. मीन्स कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके उनको फिक्स कर देते हैं और उनके बेसिस पे थिंग्स की ग्रुपिंग करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन. लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पेन है, बाथिंग टब हो गया, देन योर टॉयज़, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सिमिलरली बेड, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, टेबल, दे आर रिक्टेंगुलर इन शेप. सो जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स थी उनको हमने क्लासीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू द शेप. नाउ देयर आर अदर प्रॉपर्टीज ऑन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासीफाइड ऑल्सो. द फर्स्ट वन इज अपेयरेंस. मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने में कैसी है, इट इज़ शाइनिंग और नॉन शाइनिंग. शाइनिंग में जैसे कि सिल्वर और गोल्ड है, नॉन शाइनिंग मीन्स वुड एंड प्लास्टिक. सेकेंड वन इज टेक्सचर, दैट जो आपका मटेरियल है वो हार्ड है या सॉफ्ट है. जैसे कि आयरन वो क्या है, हार्ड, एंड रबर इज अ सॉफ्ट मटेरियल. द थर्ड इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. The fourth one is ability to float or sink in water. जैसे कि जो wood है वो क्या करती है, float कर जाती है water में, लेकिन जो stones हैं वो क्या कर जाते हैं, sink कर जाते हैं water में. The fifth is transparency, कि जो आपका material है वो transparent है, translucent है या फिर opaque है. Sixth is good or bad conductor of heat. जैसे कि जो materials जिनमें से हीट जो है वो पास नहीं कर पाती, या वो मटेरियल जिनमें से हीट जो है वो पास कर जाती है. लाइक मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. देन सेवन्थ इज गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या जिनमें से नहीं होती. अगेन मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द वुड एंड प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.